अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और आप लोग सब तमाम लोगों को मुबारक हो। हम लोगों ने हमारे सिलेबस के पहले 7 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। 7 चैप्टर्स का मतलब ये है कि हमने आधी किताब पढ़ ली। आधी किताब अगर हमने इतने टाइम में पढ़ी है तो दूसरी आधी किताब भी इतने टाइम में ही इंशाल्लाह हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि बर वक्त सिलेबस ख़त्म हो सके और हम टेस्ट सेशन स्टार्ट कर सकें। सो हमारे चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट पे मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि चैप्टर नंबर 8 फंजाई है और फंजाई जो है ये तीसरा किंगडम है। हमारे 5 किंगडम्स जो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 में, हमने कहा था ये 5 किंगडम्स हैं और पांचों किंगडम्स का एक एक चैप्टर होगा। उसी तरह हमने पहले किंगडम मोनीरा का चैप्टर नंबर 6 ख़त्म किया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा का चैप्टर नंबर 7 कवर किया और अब जो है वो चैप्टर नंबर 8 यानी कि फंजाए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंजाए क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, फिर बताऊँगा कि फंजाए कैसे होते हैं। ठीक है, फंजाए की 1 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। 1 लाख स्पीशीज़ फंजाई की डिस्कवर हो चुकी हुई हैं और इन 1 लाख स्पीशीज़ में से फंजाई किस किस तरह के हैं, इनमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, मीन मुख्तलिफ किस्म के फंजाई मौजूद हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो पैथोजन हैं। पैथोजन का मतलब है जो बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे रस्ट है, स्मट है, ये वो फंजाई हैं जो बीमारी पैदा करते हैं पौधों के अंदर। और ये आमतौर पर आपकी बुक के मुताबिक वीट और कॉर्न को, रस्ट आमतौर पर वीट को होती है, स्मट आमतौर पर कॉर्न को होती है। ठीक है, ये कॉर्न जो मकई का पौधा है ना, जब उसको ये स्मट वाली बीमारी होती है तो वो खाने के काबिल नहीं रहती। ठीक है, मकई इस तरह वीट वगैरह भी जब उसको रस्ट लग जाती है तो वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो ये रस्ट और स्मट की है, ये फंजाई है। ये क्या है, ये फंजाई। कुछ ऐसे पैथोजन भी हैं जो इंसानों में बीमारियाँ पैदा करते हैं, उसमें एस्परजिलस है, उसमें और कई ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, पैथोजेंस के अलावा कुछ जो हैं वो मोल्ड्स हैं। ठीक है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हम कई कामों में इस्तेमाल करते हैं, फूड स्टफ और क्रॉप्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। नंबर 3 डेलिकेसीज़ हैं, बहुत ही नाजुक ऑर्गेनिज़म है, इनको हम खा भी सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल में मशरूम्स हैं जिनको हम खा सकते हैं, डेलिकेसीज को हम खा भी सकते हैं। ये वो फंजाई हैं जिनको हम खाते हैं। इनकी एग्जांपल में आपके बुक के मुताबिक मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, मोरल्स हैं। ठीक है, यानी ऐसे फंजाई भी हैं इन 1 लाख स्पीशीज में से जिनको हम खा सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कमर्शियल हैं, जिनसे हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो सेल होती हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। मसलन पेनिसिलियम एक फंजाई है, इससे एंटीबायोटिक मिलती है हमें और वो एंटीबायोटिक फिर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए सेल की जाती है, इस्तेमाल भी की जाती है। सो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, कमर्शियल भी हो गए। कमर्शियल में यीस्ट भी आती है, यीस्ट से अल्कोहल वगैरह बनते हैं, बेकरीज में इस्तेमाल होती है और वो भी सेल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी ख़ास बात है वो ये है कि फंजाई आर डीकम्पोजर्स। फंजाई आर व्हाट, फंजाई आर डीकम्पोजर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, रिड्यूस करते हैं उनको, इसलिए इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसर्स हैं, दे आर नेचुरल रिड्यूसर, नेचुरल डिकम्पोजर्स एंड नेचुरल रिसाइकल्स।
ठीक है, तो फंजाई की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इकोसिस्टम के अंदर, ये क्या है, ये डिकम्पोजर है। जो इनकी स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और ब्रांच को हम माइकोलॉजी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई। और माइकोलॉजिस्ट क्या होंगे, जो फंजाई को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजिस्ट। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि फंजाई की अभी तक लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हुई हैं जिनका बायोलॉजिस्ट को पता है, जिसमें कुछ पैथोजेंस हैं, कुछ मोल्ड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें कमर्शियली फ़ायदा होता है। अब हमने देखना है कि फंजाई का टैक्सोनॉमिक स्टेटस क्या है, फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए हमने कहाँ पे प्लेस किया है। सो टैक्सोनॉमिक स्टेटस एक पुराना है और एक नया है। पहले इसको ग्रुप के अंदर रखा गया था, प्लांट्स के अंदर, ग्रुप इन प्लांट्स यानी किंगडम प्लांटी के अंदर एक ग्रुप अलग से था फंजाई, लेकिन बाद में उसको किंगडम का दर्जा दे दिया गया। बाद में उसको क्या दिया गया, किंगडम का दर्जा। रॉबर्ट विटकर ने आके फिर उसको किंगडम फंजाई बना दिया था। याद है आपको, पांच किंगडम सिस्टम्स के अंदर फंजाई को हम किंगडम के नाम से पढ़ते हैं। शुरू में उनको हमने किसके साथ रखा था, प्लांट्स के साथ। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, प्लांट्स के साथ रखना और इसको प्लांट से अलग करने की जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताने लगा हूँ सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स। प्लांट्स के साथ इनकी सिमिलैरिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं कि दोनों की सेल वॉल होती है। सिमिलैरिटीज क्या हैं, नंबर एक, बोथ कंटेन सेल वॉल, बोथ डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल यानी इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, और दोनों की हरकत एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती, दोनों नॉन मोटाइल हैं। पौधे भी और फंजाई भी, सेल वॉल प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट होना, ये सिमिलैरिटी है पौधे के साथ। और साथ ही आपने बताना है कि पौधे से इनको डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस फ्रॉम प्लांट्स। तो डिफरेंसेस हम लाइन लगा के लिख लेते हैं, क्या करके, लाइन लगा के, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मैं फंजाई के बारे में लिखूंगा और इसके सामने इंशाल्लाह मैं प्लांट्स के बारे में लिखूंगा कि क्या क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क, फंजाई हेटरोट्रॉफ्स हैं, सबको पता है, आपको ही मैंने बड़ी दफ़ा बता दिया हुआ है कि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जबकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लिहाजा पहला फ़र्क इनका ये है। दूसरा, फंजाई की सेल वॉल तो है लेकिन काइटिन की बनी है, पौधे की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोस की। मेरा ख्याल है ये दो ही बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। आपको पता है काइटिन कौन होता है, काइटिन ये वही मटेरियल है जो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी होता है, जो कीड़े मकोड़े नहीं होते, कीड़े मकोड़े जिनको आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स, मक्खी मच्छर कीड़े इस तरह के चूंटियाँ, उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। उन आर्थ्रोपोड का जो बाहर शाइनी शाइनी सा स्केल्टन होता है ना, उसमें भी यही वाला केमिकल होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई एनिमल से मैच कर रहे हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े एनिमल्स का ग्रुप है, तो क्यों ना हम इसको एनिमल्स के साथ भी कंपेयर कर लें कि इनका एनिमल्स के साथ क्या ताल्लुक है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले मैंने कंपैरिजन फंजाई का किया पौधों के साथ, पौधों के साथ सिमिलैरिटीज बताई हैं तीन और डिफरेंसेस बताए हैं दो, बहुत हैं आप लिखेंगे तो यही बहुत हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के साथ इनका क्या ताल्लुक है। तो पहले मैं बताने लगा हूँ आपको सिमिलैरिटीज विद एनिमल्स, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक प्लांट्स के साथ कंपैरिजन खत्म हो गया। अब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है बच्चों किसके साथ, एनिमल्स के साथ। पहली सिमिलैरिटी, बोथ आर हेटरोट्रॉफ्स, बोथ आर हेटरोट्रॉफ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फंजाए अपनी खुराक तैयार नहीं करते, फंजाए हेटरोट्रॉफ हैं। और एनिमल्स तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल्स भी क्या हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। और नंबर टू, फंजाई का एनिमल्स के साथ दूसरा जो स्ट्रक्चर सेम है, करैक्टर सेम है, स्ट्रक्चर नहीं करैक्टर, बोथ लैक सेल वॉल, बोथ लैक सेल वॉल, ठीक है, सॉरी सेल वॉल फंजाई की तो होती है, बोथ लैक सेल्यूलोज, ना पौधे में ना फंजाई में सेल्यूलोज है, ना एनिमल्स के अंदर सेल्यूलोज है। सो हम कहते हैं कि एनिमल्स के साथ इनका थोड़ा सा जो कैरेक्टर है वो मैच करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि फंजाई आर हेटरोट्रॉफ और उनमें सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। और उनकी जो काइटिन है, ये काइटिन किससे मैच कर रही है, ये एनिमल्स में मौजूद इंसेक्ट्स के साथ मैच करती है। इनकी काइटिन किस में मौजूद है, इंसेक्ट्स के साथ मैच कर रही है, इंसेक्ट्स एनिमल का ग्रुप है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इतने ही सिमिलर हैं तो इनको एनिमल्स में ही रख दें, नहीं, एनिमल से भी डिफरेंस हैं। कितने डिफरेंस हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस, अब जानवरों का फंजाई के साथ कंपैरिजन हो रहा है। फंजाई अभी ऊपर मैंने बताया कि नॉन मोटाइल हैं, जबकि एनिमल्स मोटाइल हैं। फंजाई क्या है, नॉन मोटाइल, और एनिमल्स क्या हैं, मोटाइल हैं। मीन फंजाई हरकत नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फंजाई एब्जॉर्प्टिव है, मीन खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एनिमल इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। नंबर तीन, एनिमल्स की सेल वॉल नहीं होती, जबकि फंजाई की सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है और यहाँ सेल वॉल नहीं होती। तो ये अगर आप नोट कर लेंगे, जुमले आपने खुद बना लेने हैं, आपको ये याद करने में नहायत ही आसानी पेश आएगी, ठीक है। मैंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के साथ इसका कंपैरिजन किया है। अब मैं इसका एक और कंपैरिजन माइटोसिस के हवाले से करने लगा हूँ कि इनके माइटोसिस में और आम माइटोसिस में क्या फ़र्क है, ठीक है। इनके माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस का एनवलप टूटता ही नहीं है, न्यूक्लियर एनवलप डज नॉट ब्रेक, नहीं टूटता। क्या आपको याद है जब हम माइटोसिस करते हैं सेल के अंदर, ये सेल में मौजूद क्रोमोसोम्स हैं तो न्यूक्लियस टूट जाता था और यहाँ से फाइबर्स आके क्रोमोसोम पर अटैच होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा फंजाई में, न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही फाइबर्स यानी स्पिंडल फाइबर बनेंगे और इस तरह की माइटोसिस को हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, ऐसी जिसमें न्यूक्लियस शामिल है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक अपरेटस बनेगा, ये सारा माइटोटिक अपरेटस है और ये माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक अपरेटस कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, ठीक है, जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक अपरेटस और माइटोटिक स्पिंडल भी कह सकते हैं। सो ये माइटोटिक स्पिंडल देखें न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहा है,
इसमें न्यूक्लियस की ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये जो एनवलप है, ये नहीं टूटती। जब नहीं टूटती तो फाइबर कहाँ से आके अटैच होंगे? बाहर से? नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियस के अंदर से ही फाइबर बनेंगे। जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हैं वही मिलकर स्पिंडल फाइबर बनाएंगी। प्रोटीन वगैरह हर चीज़ इस न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल होगी। सो दिस काइंड ऑफ माइटोसिस इज नोन एज न्यूक्लियर माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना तो कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ। फिलहाल मैंने क्या करवाया, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, प्लांट्स के साथ कंपैरिजन किया, और उसके अलावा मैंने फंजाई का एनिमल्स के साथ भी कंपैरिजन किया, और एंड पे आके मैंने बताया न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, क्वेश्चन करना तो आप जल्दी से करें, फिर मैं आपको बॉडी ऑफ हाँ जी, अब हम देखने जा रहे हैं कि फंजाई की बॉडी दिखने में कैसी नजर आती है और फंजाई किस चीज पे मुश्तमिल है। फंजाई की जो, जिसने दोबारा सुनना है वो रिपीट कर ले, इस तरह हम लेक्चर्स को रिवाइज, आप लोग खुद समझदार हैं, टाइम कम होता है, आप इसीलिए तो हमारे साथ चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। जिसने दोबारा सुनना वो पीछे से सुन लिया करे, इतना आसान करके मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, लें जी, अगला टॉपिक है हमारा बॉडी ऑफ क्वेश्चन, वो करें आप जो मैंने नहीं बताया। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करें, क्लासरूम में तो हम दो तीन मरतबा पूछ लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, आप रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स करके लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। ये याद हो जाएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, आज के टॉपिक से ये टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम, नाम याद करें और सारे बच्चे कमेंट करें, माइसीलियम। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी स्केलेटन की बनी हुई है, पौधों के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, एलजी में याद है हमने कहा था थैलस होता है, थैलस, तो फंजाई के अंदर माइसीलियम होता है, फंजाई के अंदर माइसीलियम है। ठीक है, मेन ये जो फंजाई की बॉडी है ना, ये माइसीलियम पर मुश्तमिल, एंड माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ हाइफी, हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे नुमा स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। मैं बनाने लगा हूँ, ये देखें, ये एक धागा बनाया मैंने, ठीक है, एक और धागा बना दिया और एक और धागा बना दिया। लंबे लंबे धागे होते हैं, फिलामेंट टाइप हैं, और इन धागों को हम कहते हैं हाइफी। तीन धागे मैंने बनाए हैं, अगर एक कल्चर प्लेट के अंदर काफ़ी सारे इस तरह धागे पड़े हों तो ये पूरा एक माइसीलियम है, पूरा एक क्या जी, माइसीलियम है। इतना सा पार्ट उठा के हमने बड़ा करके देखना है तो हमें तीनों हाइफी अलग अलग नज़र आएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये हाइफी कैसे होते हैं। हाइफी धागे नुमा देख रहे हैं आप, ये फंजाई की बॉडी है जिसमें अजीबोगरीब से थ्रेड्स पड़े हुए हैं, ये सारे थ्रेड्स मिलकर माइसीलियम बनाएंगे, सारे थ्रेड्स मिलकर माइसीलियम बनाएंगे, और इन थ्रेड्स में तीन तरह के थ्रेड्स होते हैं। पहला थ्रेड होता है, इसको हम थोड़ा सा फासले पे बना लेते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो। ठीक है, फासले बना दी मैंने, ए बी और सी, ए ये बी है और ये क्या बच्चों, सी है। मैंने आपको बताना है कि हाइफी किस तरह के होते हैं और इनमें क्या चीज़ होती है। सबसे जो पहला आपके सामने हाइफी नज़र आ रहा है, ये हाइफी काफ़ी ज़्यादा है, ये एक एगर प्लेट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, दिस इज़ द विच इज़ ग्रोइंग ऑन एगर प्लेट, यानी इसका कल्चर लगाया,
एगर की एक प्लेट है, पेट्री प्लेट है, जिसके ऊपर फंजाई है, और हमने इस फंजाई को अब बड़ा करके देखना है कि हमें ये फंजाई कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, लें जी। तो पहला फंजाई ये वाला है, ठीक है। इस फंजाई में ख़ास बात क्या नज़र आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिस फंजाई इज नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट एक ऐसा हाइफी होता है जिसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, विदाउट क्रॉस वॉल। उसके बाद ये वाला अगर आप हाइफी देखें तो इसमें रुकावटें हैं, काफ़ी सारी रुकावटें हैं, काफ़ी सारी क्या हैं, रुकावटें हैं। इनको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। क्या कहते हैं? सेप्टेट, और इनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, विद क्रॉस वॉल्स, क्रॉस वॉल्स। और तीसरा मैंने हाइफी वो बनाया है कि इनमें क्रॉस वॉल्स हैं लेकिन हर खाने के अंदर दो दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, हर खाने के अंदर दो दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह के हाइफी को भी हम सेप्टेट ही कहते हैं, लेकिन इस सेप्टेट हाइफी की आगे से दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है डायकैरियोटिक। डाय का मतलब होता है दो, टू न्यूक्लियाई। हर सेप्टम के अंदर दो दो न्यूक्लियाई अगर होंगे तो हम इस तरह के हाइफी को नाम देते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। और दोनों हाइफी सेप्टेट हैं क्योंकि दोनों में ये देखें ये क्या है, ये क्रॉस वॉल्स हैं, ये क्या है, ये क्रॉस वॉल्स हैं। इससे इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म, ये सारा इनमें साइटोप्लाज्म है, ये देखें ये सारा क्या है, साइटो। इसमें साइटोप्लाज्म किसी ने डिवाइड नहीं किया, ओपनली साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है और फ्रीली इफेक्टिवली मूव भी करता है। इस तरह की हाइफी को हम सोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं, जिसका साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, दरमियान में रुकावटें नहीं है। सोइनोसाइटिक हाइफी किसको कहते हैं, तमाम बच्चे कमेंट करें। नॉन सेप्टेट हाइफी इज सोइनोसाइटिक हाइफी, याद हो जाएगा आपको। नॉन सेप्टेट हाइफी इज द सोइनोसाइटिक हाइफी। इसमें साइटोप्लाज्म देखें आपके सामने फ्रीली मूव कर सकता है, दरमियान में कोई क्रॉस वॉल, दीवार या सेप्टम या पार्टीशन नहीं है। अच्छा, ये वर्ड्स पिछले चैप्टर में भी आए थे, अगर तब आपको नहीं समझ आए अब आपको समझ आ गए हैं। हाइफी का वर्ड पिछले चैप्टर में भी आया, एलजी में भी सोइनोसाइटिक का वर्ड आया, लेकिन वहाँ पे हाइफी नहीं होते, फिलामेंट होते हैं। उनके फिलामेंट में भी अगर दीवारें नहीं हो तो वो सोइनोसाइटिक होता है, मीन उसमें साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली मूव करता है। क्वेश्चन ये है कि इस दीवार का नाम क्या है, इस दीवार का नाम है सेप्टम, इसको मैं क्रॉस वॉल भी कहता हूँ, क्रॉस वॉल, जो साइटोप्लाज्म को बीच में से क्रॉस कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर इन सेल्स ने अपना साइटोप्लाज्म भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, ये देखें ये क्या बन गया, इधर बनाते हैं, दिस इज द पोर। अगर इनके साइटोप्लाज्म ने एक सुराख से आगे जाना है तो उतना इफेक्टिवली नहीं ये मूव कर पाएंगे जितना इफेक्टिवली इस डायग्राम में मूव कर रहे हैं। सो दीज पोर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इनमें तो पोर्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनमें तो कोई वॉल ही नहीं है बीच में, तो जिनमें वॉल नहीं होती उनको कहते हैं नॉन सेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल, और जिनमें वॉल होती है उनको हम कहते हैं सेप्टेट। और ये दो तरह की हो सकते हैं, मोनोकैरियोटिक और डायकैरियोटिक। मोनो मीन जिसके एक सेल में एक न्यूक्लियस हो, और डायकैरियोटिक जिसके एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई हैं। और जो इस तरह का हाइफी होता है वो हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी कैरियोटिक होता है, जिसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अगर फंजाई का धागा कितनी दूर तक ग्रो कर सकता है, तो आमतौर पर 1 किलोमीटर, आपके येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, 1 किलोमीटर तक
फंजाई ग्रो करता रहता है और फूड को अब्सॉर्ब करता रहता है। आर्मिलेरिया एक एग्जांपल है, ये पैथोजेनिक फंजाई है, मेन पैथोजन है, ये कोनीफर को ग्रो को अटैक करता है और ये देखा गया है कि ये 15 हेक्टर तक ये ग्रो करता है। ये येलो बॉक्स में दो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, पेज नंबर किस पौधे को अटैक करता है, कोनीफर को, और जब वो अटैक करता है तो उसकी ग्रोथ 15 एकड़ तक, यानी पौधे काफ़ी लंबी फसलें होती है ना पौधों की, तो ये भी लंबा ही लंबा ग्रो, इसका धागा रुकता ही नहीं है, इसका धागा स्प्रेड बहुत बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। स्प्रेड का वर्ड मैंने लिख दिया, स्प्रेडिंग होता है, जहाँ जहाँ ये स्प्रेड होता जाता है वहाँ वहाँ से ये चीज़ों को अब्जॉर्ब करता जाता है। ठीक है, हार्फी सारे पैक होकर एक पूरा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और फिर वो एक्सपैंड भी होते हैं। एक हाइफी एस, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें हाइफी नहीं होते, सिर्फ एक फंजाई ऐसा है नॉन हाइफल और उसका नाम है यीस्ट। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। सिर्फ एक फंगस या एक फंजाई ऐसा है जिसमें हाइफी नहीं होते, वो है यूनिसेलुलर यीस्ट, उसमें सेल ही एक है, तो धागा कैसे बनेगा, नहीं बनता। यीस्ट ऐसी फंगस है जिसमें हाइफी मौजूद नहीं होते। नाम याद कर लिया, कौन है यीस्ट, कौन है भाई यीस्ट, यीस्ट एक ऐसी फंगस है जिसमें हाइफी नहीं होता। अगर सेल्स की बात करें, आमतौर पर फंजाई के सेल हैप्लॉइड होते हैं, सिवाय तब जब डिप्लॉइड जायगोट बनना हो, वरना आमतौर पर उसके सेल जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जायगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, वो आगे आएगा तब मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मैंने आज आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, माइसीलियम की डेफिनेशन याद करनी है, अब नोट कर लें, हाइफी की डेफिनेशन याद करनी है, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में फ़र्क याद करना है, डायग्राम भी बना के दिखानी है, सोनोसाइटिक हाइफी की डेफिनेशन याद करनी है और बाकी एमसीक्यूज़ हैं, येलो बॉक्स में भी एमसीक्यूज़ हैं, ये भी एमसीक्यूज़ है कि किस हाइफी, कौन सा फंजाई हाइफी के बगैर होता है, और मोनोकैरियोटिक और डायकैरियोटिक में फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है जो मैंने नहीं बताया उसमें से आप कर सकते हैं, जो बताया रिपीट आप खुद ही बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया हुआ है, लेकिन सब ने नहीं किया, मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे कमेंट करें कि यीस्ट यूनिसेलुलर हैं और इनमें हाइफी नहीं होता। हाइफी इतनी देर से हाइफी कर रहे हैं, ये सारे हाइफी हैं, देखें ना ये सारे क्या हैं, हाइफी धागेनुमा, और ये मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जो बॉडी माइसीलियम कहलाती है। तो फंगस एक माइसीलियम पे मुश्तमिल है और एक माइसीलियम में काफ़ी सारे हाइफी होते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया लिग्निन, वेरी गुड, चैप्टर 4 नहीं पढ़ा आपने मुझसे, लिग्निन और सेल्यूलोस पौधों की सेल वॉल में होती है, मैं लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ, पौधों की सेल वॉल में कौन है, लिग्निन है। काइटिन जो कि फंजाई की सेल वॉल में है, वो पौधों के सेल्यूलोस और लिग्निन से भी ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, मीन ये सेल्यूलोस और लिग्निन दोनों को डिकम्पोज कर सकता है, इसके पास इतनी सलाहियत है, लेकिन इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते पौधे, तो ये लिग्निन को और उनको डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, येलो बॉक्स जो पेज नंबर 114 पे बना हुआ है, उस पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। येलो बॉक्स में दो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें एक लाइन भी लिखी हुई है, कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इतना बड़ा 15 एकड़, लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एनिमल नहीं है, ये फंजाई है। ठीक है, ये एनिमल नहीं है, ये क्या है, फंजाई। एक फंगस में कितने हाइफी होते हैं, बहुत सारे, कोई फिक्स तादाद नहीं होती, जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन जी आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ याद करने हैं। टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई
ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आ सकता है। लाहौर बोर्ड में एक आध मरतबा आया हुआ है, तो आपने ये याद कर लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, यहीं तक था। इंशाल्लाह हम दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।